अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के संवेदनशील डेटा की चोरी के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। इस मामले में पता चला है कि खुफिया एजेंसियों की ऐसी हैकिंग कई महीनों से हो रही थी और ट्रंप प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक CIA, FBI और होमलैंड सिक्योरिटी के साथ साथ कई और सुरक्षा एजेंसियों के डेटा में रूस और चीन के हैकर्स लगातार कई महीनों से सेन लगाए थे। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, स्टेट डिपार्टमेंट, जस्टिस डिपार्टमेंट, डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस जैसे अहम विभागों की फाइलें चोरी हुई, लेकिन CIA के साइबर सेल को इसकी कोई खबर नहीं थी। बता दें, डोनाल्ड ट्रंप ने इस डेटा लीक के मामलों को लेकर 17 दिसंबर को अधिकारियों के साथ बैठकर स्थिति का जायजा लिया था। फिलहाल ट्रंप सरकार ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस बड़े डेटा ब्रीच से कितना नुकसान पहुंचा है। वहीं दूसरी तरफ बाइडेन की ट्रांजिशन टीम ने भी इस पूरी घटना को लेकर गंभीर चिंताएं जाहिर की। हालांकि ट्रंप प्रशासन ने बयान जारी कर कहा कि रूसी हैकर्स ने डेटा चुराने की कोशिश की थी, लेकिन वो इसमें नाकामयाब रहे। वहीं टीम बाइडेन का मानना है कि इलेक्शन के बाद से बीते 2 महीनों से सुरक्षा एजेंसियों के साथ बैठक नहीं हो रही थी, जिसके चलते फिलहाल असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इस साइबर हमले के खुलासे के बाद से अमेरिका की कई सरकारी और निजी कंपनियां अपने कंप्यूटर नेटवर्क को सुरक्षित करने में जुट गई हैं। आशंका है कि गोपनीय जानकारी हासिल करने के लिए रूसी हैकरों ने साइबर घुसपैठ की कोशिश की। संभावित खतरे को देखते हुए अमेरिका के आंतरिक सुरक्षा विभाग की साइबर यूनिट ने सोमवार को सभी फेडरल एजेंसियों को इससे प्रभावित नेटवर्क प्रबंधन सॉफ्टवेयर को हटाने का निर्देश दिया है और अब हजारों कंपनियां इसी दिशा में काम करने वाली है। और वर्तमान में सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज में वरिष्ठ सलाहकार सुजैन स्पॉल्डिंग ने कहा है कि यह ध्यान रखने वाली बात है कि रक्षा करने से आसान हमला करना होता है। हमें अब भी काफी कुछ करना बाकी है। साइबर घुसपैठ करने वालों का पता लगाया जा रहा है। एक अमेरिकी अधिकारी ने नाम नहीं जाहिर करने की शर्त पर बताया कि मामले में रूसी हैकरों का हाथ होने की आशंका है। इसके अलावा वॉशिंगटन पोस्ट ने सूत्रों के मुताबिक हमला रूसी सरकार की खुफिया सेवा से जुड़े हैकरों पर किया है। इस घुसपैठ का पता उस वक्त चला था जब साइबर सुरक्षा से जुड़ी एक प्रमुख कंपनी FireEye ने बताया कि उसकी साइबर सुरक्षा में सेन लगाई गई है और कुछ दूसरे देशों और प्रमुख संगठनों की साइबर सुरक्षा में सेन लगाए जाने की आशंका जताई गई। हालांकि कंपनी ने यह नहीं बताया कि उसे किस पर शक है, लेकिन साइबर हमले के तरीकों को देखकर विशेषज्ञों की यही राय है कि इसमें रूस का हाथ हो सकता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।